देश का आम बजट आने में महज हफ्ते भर का समय रह गया है। 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। ये 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार का जहां 10वां बजट होगा, वहीं वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण का 4था बजट होगा। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और बढ़ती महंगाई की मार के बीच इस बजट के लोक लुभावन होने की उम्मीद की जा रही है। अर्थशास्त्रियों, कर विशेषज्ञों और वेतनभोगी वर्ग को बजट 2022 से कई क्षेत्रों में उम्मीदें हैं, जिनमें खास तौर पर वर्क फ्रॉम होम में अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव, स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र, बैंक और एमएसएमई उद्योग क्षेत्र, एफएमसीजी क्षेत्र, विमानन उद्योग क्षेत्र, स्टार्टअप मार्केट प्लेटफॉर्म्स, क्रिप्टोकरेंसी, स्टार्टअप क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र शामिल है। वहीं इस बार विशेषज्ञ कोविड-19 में बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स और विरासत कर को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।